हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी रसोई में जो स्पेशल रेसिपी बनने जा रही है वो है सिंपल सा हेल्दी सा मूंग का पराठा। मूंग का पराठा जो है वो हम सिंधी लोग स्पेशली बनाते हैं, चावल का पराठा, मूंग का पराठा और प्याज का पराठा, कोकी जो है हमारी स्पेशलिटीज़ हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मूंग, जो आपको क्या करना है बॉयल करके निकाल देना है। पर अगर उस मूंग में आप ज़्यादा पानी ना डालें और उसको निकाल दें अच्छी तरह, ताकि वो एकदम दाना जो है उसका गल जाए और वो अच्छी तरह से पराठे में मर्ज हो जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको रोटी का जैसे आप पराठा बेलते हैं वैसे ही आपको बेलना है। उसके ऊपर हल्का सा तेल लगाना है। तेल लगाने के बाद में आपको उसके ऊपर हल्का सा लाल मिर्च लगाना है और इस तरह से उसको बंद करना है। साथ में आपको लगाना है इसके अंदर मूंग के अंदर हमने नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है। और आप चाहें, अगर आपको पसंद ना हो तो आप सिमर डालें, अगर आपको पसंद हो तो सिर्फ आप ओनली नमक डालकर भी इसको बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको पैक करना है अच्छी तरह से, इस तरह से। इसको पैक कर देंगे अच्छी तरह से। पैक करके इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और लगाएंगे, थोड़ा सा मिर्च और लगाएंगे, ताकि क्या हो ऊपर से भी उतना ही टेस्टी लगे जितना कि वो अंदर से है। फिर हमें इसे क्या करना है, थोड़े से आटे के ऊपर, इसके ऊपर लोहे के ऊपर थोड़ा सा आटा लगाना है और उसको हमें अच्छी तरह से बेलना है। इस टाइप से मैं आपको इसको पूरा बेल कर दिखाती हूँ। और हमारा पराठा जो है वो पूरी तरह से बेल दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं कि जो मूंग है इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से डिवाइड हो गए हैं। अंदर हमने स्टफिंग मूंग का भरा था, इसके अंदर अब हमने तवे को गर्म करने रखा है। तवा जब हमारा गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे इस तरह से। ऑयल ग्रीस करने के बाद हम इसके अंदर, जैसे हमारा तवा गर्म होता है तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पराठा डाल देंगे इस टाइप से। अब हमें पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकना है और उसके ऊपर हाफ स्पून जितना ऑयल लगाना है। वो पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकेंगे। हमने ऑयल लगा के इसको दूसरी साइड से रखा है सेकने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेक जाए। जब पराठा अच्छी तरह से सेकेगा तभी वो खाने में क्रिस्पी और टेस्टी लगेगा। यह आप टिफ़िन में भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, जो आप कभी भी अपने घर पर बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसके लिए मूंग की ज़रूरत पड़ेगी और मूंग आपके पास हमेशा किचन में अवेलेबल रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा जो है वो अच्छी तरह से सिक चुका है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या बटर आप जो भी यूज़ करते हैं, हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर सोयाबीन का। आप बटर यूज़ करना चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जब तो हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएगा तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अब हमारा पराठा पूरी तरह से बन गया है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है, क्योंकि अब आप नाश्ते में जो है वो घी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नाश्ता जो है वो थोड़ा सा हैवी हो तो आप उसको अच्छी तरह से पूरा दिन डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो पराठा है वो खाने के लिए एकदम रेडी है। मैं इसको प्लेटर में रख के आपको दिखाती हूँ। आप इसको सॉस चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हमारा पराठा जो है वो खाने के लिए एकदम रेडी है। आप चाहें तो इसको सॉस, मेयोनीज या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच इन एडवांस।